वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सारे? आई होप सारे मस्त फिट बिल्कुल हेल्दी हो। तो आज तो मैं उतना जल्दी नहीं उठी क्योंकि अब काम मम्मी ने संभाल लिया है, मेरा कोई काम नहीं है। अब मेरा वही काम है आराम करना पूरे दिन, तो मैं जल्दी नहीं उठी। मैं बिल्कुल फिट हो गई हूं। आज उनकी लास्ट अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर पे, जो कि बिल्कुल सही हो गई, सब ठीक है, बिल्कुल मस्त है। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी जिम। मैं वैसे दो दिन ज्यादा जाती नहीं, बट मजबूरी ये हो गई है कि मैंने 4 महीने की मेंबरशिप ले ली है। मतलब मेरी फ्रेंड ने मेरे को दिलवा दी जबरदस्ती कि मेरे पैसे चले गए 4 महीने। अब पैसे तो आ नहीं सकते, मुझे जिम करनी पड़ेगी 4 महीने। अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मतलब 4 महीने तो यार मैं नहीं करूँगी 4 महीने। या तो एक काम करो, व्लॉग्स देख लो बिना एड स्किप किए, सो दैट मुझे पैसों का ऐसे दुख दर्द ना हो। अच्छा, बट यार चलो मैं जाऊंगी, मन नहीं करता उतना यार, बट चले जाऊंगी, कोई बात नहीं, वैसे भी क्या ही करती हूँ। ऑल्सो मैंने ऐसे ना इस कलर में 3-4 टी-शर्ट्स मंगाई, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसका जो बीच का लोगो है वो थोड़ा इस साइड है, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, जबकि मैंने ऐसे ऑथेंटिक साइड से मंगाई। मैंने भाई को बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या अगर रिटर्न कर दूँ? कह रहा नहीं, टेढ़ी होकर चला कर। तो अब से मैं ऐसी होकर चलूंगी जब मुझे लगा कि मेरा लोगो थोड़ा उधर जा रहा है। एनीवे अभी चलते हैं, देखते हैं। घर पे तो कोई है नहीं, मतलब मम्मी पापा अभी बाहर ही हैं, डॉक्टर पे ही हैं, बट लास्ट अपॉइंटमेंट की, तो अभी कोई नहीं है मेरे और बाबा के अलावा। नहीं कोई नहीं तो बहुत लोग हैं, बट मम्मी पापा नहीं है। मम्मी पापा नहीं है तो फिर लगता है कोई नहीं है। तो बस ये भी यही है, थोड़ी देर में जाऊँगी जिम में कुछ खा पी के। लड़की ने भेजा, साफ साफ नाम दिया, सना खान। इधर बैठ के खोल मेरे सामने। क्या है सना? कौन है सना? कौन है? ये तो बता दे। करूंगा मैं, बहुत अच्छा है, मैंने यूज करा हुआ है। यूज करा OnePlus वालों, देखो अभी एक बार मैंने कुछ कहा था OnePlus वालों को। कहा व्लॉग में? नहीं, अच्छा ही कहा था। फिर शायद क्या पता मैं बाहर हो रहा है अभी, बस ट्रेन प्रो भी गाइस यूज कर रहा हूं। गैस कर मैंने आज क्या मंगाया प्री वर्कआउट में? नहीं रोज थोड़ी खाऊंगी चल बुट रहे बर्गर और कोल्ड कॉफी। इन्फ्लुएंसर को ना हमेशा अच्छी चीजों के लिए इन्फ्लुएंस, बट लाइक मी सुबह उठो, नहाओ, पैर धो बाप के। हाँ तू पैर पो, तू करता है? नहाओ फिर सो जल्दी, सुबह जल्दी उठो, स्ट्रीम। इन्फ्लुएंसर को जो सच 12 बजे ऐसा लग रहा है मैंने क्या कर लिया, तभी भगवान ने गिफ्ट भेजा सना खान के नाम से। कौन है सना खान? सना खान गाने में भाई अच्छी आवाज थी वैसे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी टू से। कोई हाँ नाम पूछ रहा था, क्या नाम है शूज का? इसका नाम है रेडीमेड एक्स ब्लेजर मिड। अरे और तेज बोल रहे अमिनम भाई, कोई कह रहा था अमिनम क्योंकि मैं बहुत तेज तेज बोलती हूँ यार, मेरे पैर में बहुत दर्द है यार बहुत। तू तभी जिम छोड़ता है ना, बॉडी में दर्द बहुत होता है फिर तू जिम छोड़ देता है। नहीं टाइम नहीं है भाई इतना। हाँ तेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं रेगु, क्या समझेगा तू, रोज स्ट्रीम करता है? यस। कोई कह रहा था बार बार उसका पीसी का वो मत यूज किया करो एज अ कैमरा, क्यों ना करूँ एज अ मिरर। शीशा देख रहे, मेरी छोटी उंगली पे लग गई पागल। कौन सी साइज छोटी है? ये कहीं जा रहा है घूमने और पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ, बहुत गंदा बहुत। हाँ सही में कल कह रहा था मैं अब इंस्टा पे फोटो डाला करूंगा, डालना बहुत गंदे भाई, पर मेरे को बहुत तेज चोट लगी है पिंकी फिंगर पे, नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ पिंकी पे, अरे क्या ये बेवकूफ, मेरे में मत कर ये गंदी बातें। फैमिली देखती है बहुत लोगों की, मेरी खुद की ओ फुल फैमिली देखती है, वाइपर की मम्मी भी देखती है मेरा व्लॉग, आंटी फोन करती हैं। गाइस कल मूव लगा के सोई हूँ, एक मिनट, मूव लगा के सोई हूँ, इतना दर्द था मेरी बॉडी में, मुझे पता है कुछ हेल्प नहीं करने वाला ये, बट स्टिल बहुत दर्द दुख दुख दर्द पीड़ा। एंड यह मम्मी मेरी बाहर गई हुई है तो मेरा कुछ बनाने का मन नहीं था, बाहर एजिम डॉक्टर के पास गई है। वाओ वाओ खाएगा पर बर्गर? क्या जल्दी बोल यार, बाहर तक छोड़ दूं? चले छोड़ दूंगी, चल गाइस। दीदी स्कूटी चला रही है, इतनी गर्मी में जैसी बैठी खड़ी हो गई थी, कह रही थी खड़े होकर चलाऊंगी, बट कोई नहीं। क्या कर रही है दीदी, गली में गिर गए ना लोग हंसेंगे यार। दो ब्लॉगर गली में गिरे हुए पाए हुए, एक थे अमीषा सिंह, एक थे पवन सिंह। गाइस पवन सिंह का ब्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि अमीषा सिंह का आ रहा है। अगर मैं ये ब्लॉग ना आ पाए तो समझ जाना मैं गिर चुका हूं। क्या बोले भाई को ढूंढो पहले। अरे भाभी यहीं तो, चल चल चल। अबे रुक जा भाई, क्या बोले भाई कहाँ है? After 2 minutes of struggle इसने यूटर्न लिया है। क्या बोले भैया थोड़े से खो गए। भाई वो धीरे चला स्कूटी पे आता है ना, पहले बताओ हम सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर है इसलिए हेलमेट नहीं पहने, मतलब अंदर है कि एक सेकंड के लिए ड्रॉप करना था। क्या बोले भाई, पर मैं यहाँ से यूटर्न कैसे लूंगी, तूने सोचा ये बात? रोक रोक लिया तो कहा जब यूटर्न लेगी 5 मिनट बाद। A few hours later निकल रही हूँ मैं जिम के लिए, पापा स्कूटी लेके जा रही हूँ।
पापा इस टाइम पे खाने खाने आते हैं तो एक डेढ़ घंटे का गैप होता है, तो स्कूटी ले जाती हूँ क्योंकि रिक्शा थोड़ा दूर जाके मिलती है। बहुत धूप है, टैनिंग बहुत गंदी होगी। ढूंढ जिम से आई हो, थकी हुई हो? या मैं ना जिम में थी आज, इतने दोनों फोन करते, दोनों एग्जाम दे रहे हैं और तुम्हें फेल करवा दूँ, तुम्हें पिटवा दूँ, कॉलेज से निकलवा दूँ, कुछ नहीं होगा। ये दोनों एग्जाम दे रहे हैं, मेरे को तंग कर रहे हैं। मुझे वो लिख रही है, प्रॉक्टर लिख रही है, डोंट लुक हियर एंड देयर। इसको हटाओ, किसको हटाओ? वाला वो है, बट तेरे से ज्यादा इज्जत मेरे घर में एलेक्सा की है। एलेक्सा की है तमीज से। ए, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। महक को टारगेट की कर रहा है। महक देख लो, एक बार महक देख लो, ये मम्मी भी मोटी है, मम्मी को भी टारगेट करो। अब तुम मम्मी में तो खुद कर रहे हो, मैं तो महक का कह रही हूं। वो लोग मोटे हैं, आप उनको टारगेट करना चाह रहे हो। छी छी जी जी, महक देख ले, महक देख ले, ये कितना गंदा है यार। कर देख लेना, सारे जूते ट्राई होंगे, ऊपर से लेके नीचे तक होंगे। करते हुए हिम्मत है, चल मैं यही बैठा, पहले वो वाला लाओ, चल चल कर, चल मैं यही बैठी हूं, कर वो वाला लाओ। वो तो पहन लिया, चल अब कर, पहन लिया। हाँ चल अब कर, तेरे में हिम्मत है तो कर ट्राई। चल चल, ये क्या कर रहा है? सबसे पुराने कर रहा है जान बूझ के, बट्टू जो गंदे वो कर रहा है, जो निकला हुआ है। एलवी के कर, जूते ट्राई। चल चल एलवी के ट्राई कर, निकाल दे तू। चल निकाल दे, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लेकर चल एलवी के जूते ट्राई कर। चल हाँ पूरे ट्राई कर, 100 रुपए की वैल्यू तुझे कमी कर, तेरे पैर पर टच होते ही 100 रुपए की वैल्यू कम होगी। अगर उसमें छोटे हैं, अच्छा क्या करा इसने? दांत मारी इससे, ब्लॉग बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, ऐसे बनेगा। यही तो क्या तो बनेगा, मुट्ठी में पकड़ लो, दोनों मुट्ठी में पकड़ लो, एक काम कर दोनों मुट्ठी से पकड़ ले। ट्राइपॉड लगता है यार, मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का टेस्ट ही अलग आता है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा। कहीं के भी पी लो, कितने भी अच्छे चाय पी लो, बट ये वाला टेस्ट नहीं आता। ये ग्रीन वॉल भी हमको हटा देनी चाहिए थी क्या, जब हम वॉल पेपर लगवा रहे थे तो मुझे बोला पापा, पिछला एक कमेंट आया था कि पापा को कॉन्फिडेंस देख के लग रहा अगला ब्लॉग उन्हीं का आएगा। पापा क्या बनाए, पापा क्या? मम्मी चाय, वैसे सच में मम्मी कितनी भी चाय पी लो तुम्हारी चाय का टेस्ट अलग ही आता है। मान गई ना? हाँ माने, पापा ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स, जो कि तुम लोग हमेशा करते हो। बाय।